व्यूअर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ तंदूरी चिकन। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, उसको मैंने कट करके रखा है। उसमें मैं अभी नमक लहसुन का पेस्ट अदरक का पेस्ट और नींबू बिना के कुछ देर के लिए 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अभी 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसको मिक्स करके फ्रीज में रख दीजिए। उसके बाद मैं इसका मसाला रेडी करूंगी। मैंने जो चिकन तंदूरी चिकन के लिए मैरिनेट करके रखा था, मैंने इसको 1 घंटे के बाद निकाला है। इसके लिए अभी जो मैं बैटर इसके लिए तैयार करूँगी, इसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है, उसका पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं कश्मीरी मिर्च, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्चा पेस्ट, बटर, ऑयल, नमक, तंदूरी चिकन मसाला, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और फूड कलर। फूड कलर आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं देने से भी चलेगा। अब मैं इसका बैटर रेडी करूंगी। दही में भी 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच, मिर्चा थोड़ा धीमी में, ज्यादा नहीं बहुत, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, धनिया पाउडर, एक चम्मच कसूरी मेथी, तंदूरी मसाला, मैंने चिकन में भी मैरिनेट करने के टाइम पे ये नमक दिया था, तो इसमें ज्यादा नहीं दूंगी। इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। फूड कलर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बैटर मैंने रेडी कर लिया है, टेस्ट इसका। इसमें मैं चिकन चाहे अच्छे से, मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है।
एक्स्ट्रा जो इसका पानी है ये मत लीजिएगा। इसको अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से क्योंकि अभी 1 घंटा के लिए आप इसको ढक के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। 1 घंटा हो गया है, अभी मैंने चिकन को फ्रीज से निकाल लिया है। अब आप चाहें तो इसको तवे में भी बना सकते हैं। मेरे पास मशीन है इसलिए मैं मशीन में बना रही हूँ। मशीन में दे दूँ करके बटर दे दूंगी। इसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए देख दूंगी, उसके बाद फिर निकाल के देखूंगी। इसको 5 मिनट बाद निकाल कर देखेंगे। सारे चिकन को मैंने पलट दिया है, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए अंदर दे दूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट के बाद निकाल के देखूँगी। ये देखिए, अब मैं इसको फिर से ऐसे में प्लेट दूंगी सारे चिकन को। अब मैं इसको फिर से 5 मिनट के लिए अंदर दे दूंगी। रेडी हो गया तंदूरी चिकन, आप देख ही सकते हैं टूट गया है, हो गया ही है। इसको बनाने में जितना टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैरिनेट करने में जितना टाइम लगता है। आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है आप बताइएगा कमेंट करके, और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मेरी वीडियो आज की रेसिपी अगर अच्छी लगे आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।